बलिया में हुए पत्रकारों पर उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सोनभद्र दुधी स्थानीय कस्बा में मंगलवार को बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर नाराज दुधी तहसील क्षेत्र के बिन ढमगनस महुली न्यूपुर सहित स्थानीय पत्रकारों ने बांह पर काली पट्टी बांध सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन को मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने नायब तहसीलदार विशाल कुमार पासवान को सौंपा। आज पत्रकारों ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से जुलूस निकाल प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पत्रकार उत्पीड़न बंद करो, फर्जी मुकदमे वापस लो, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, कलम के सिपाही जिंदाबाद, प्रेस की आजादी मत छीनो जैसे जमकर नारेबाजी करते हुए म्यूरपुर मोड़ श्री संकट मोचन मंदिर चौक से होकर तहसील परिसर पहुँच सभा में तब्दील कर दिया गया। वही पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश के शासन काल में एक और जहां आम जनमानस में निर्णय व सुकून का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ अधिकारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निशाना बनाकर उत्पीड़न कर रहे हैं, जो निंदनीय है। बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में बलिया के वरिष्ठ पत्रकार अजित ओझा, दिग्विजय सिंह व मनोज गुप्ता को ढाल बनाकर जिला प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने में लगा हुआ है। नकल माफियाओं की पोल खोलने के लिए लीक पेपर की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। बलिया के डीएम एसपी ने मामले को उजागर करने वाले पत्रकारों को ही मोहरा बनाकर फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन में पत्रकारों ने प्रदेश सरकार मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच कराने, फर्जी मुकदमे वापस लेने और तत्काल रूप से बलिया डीएम एसपी को बर्खास्त करने की मांग का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर विष्णु अग्रहरे, मुशुने शमी मंसारी, देवेश मोहन, भीम जायसवाल, प्रभात कुमार, वीरेंद्र कुमार, राजीव मिश्रा, सुशील गुप्ता, विवेकानंद मिश्रा, जगत नारायण विश्वकर्मा, जितेंद्र अग्रहरे, मदन मोहन तिवारी, रमेश यादव, देवी शक्ति राजा, नंद किशोर प्रसाद, संदीप अग्रहरे, मुकेश सोनी, ओम प्रकाश, धर्मेंद्र गुप्ता, पंकज अग्रहरे, अजय गुप्ता, रविशंकर, विकास कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। अगर हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है, डीएम या और एसपी बलिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम पत्रकारगण पूरे प्रदेश के अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे और सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। बलिया प्रकरण में जिस तरीके से कथित दोषी करार दिया गया है पत्रकारों को, हकीकत बात तो यह है कि उन्होंने ही इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गलत लोगों को चक्र रच के फंसा दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को प्रदेश के मुखिया के ऊपर भरोसा है। कितने डीएम और एसपी सस्पेंड हो रहे हैं अपने कार्य प्रणाली की वजह से, मुझे विश्वास है, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि बलिया के भी डीएम और एसपी के खिलाफ न्यायिक जांच करा के जो इस मामले में दोषी हूँ उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए और फर्जी मुकदमा वापस किया जाए। कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं ये प्रदर्शन? पत्रकारों के स्वतंत्रता के खिलाफ है। बलिया में पेपर लीक मामले को उजागर हमारे साथियों ने किया था, उसको अपना छिपाने के लिए जो है जिला प्रशासन डीएमएसपी ने फर्जी मुकदमा लाद के वहाँ के हमारे पत्रकार साथियों को जेल में बंद कर दिया। इस तरह से पत्रकारों के स्वतंत्रता पे स्वतंत्रता का हनन है, उसे बंद किया जाए, फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शनरत हैं।